अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए मसूर की दाल, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बनी हुई दाल है, और आप देखेंगे तो उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है, और ये मसूर की दाल है 1 कप, और इसको मैंने सिर्फ धो लिया है, इसको भिगोया हुआ नहीं है, ये धुली हुई दाल है, और इसको मैं इसमें डाल दिया है। जो बाकी चीज़ें इसमें डालनी हैं वो हैं टमाटर, नमक अपने जायके के मुताबिक, और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और अदरक का अदरक, और ये एक पूरा लहसुन, ये सब चीज़ें हम इसमें जाएंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच जो हैं जो वो इसमें हम तेल के डाल देंगे, और अब इसे अच्छे से बस मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे, और इसे इतना पकाएंगे कि जो दाल है वो अच्छे से पक जाए। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, और अब हम जो इसमें मैंने लहसुन डाला था वो मैं निकाल लूँगी, और बाकी दाल है जो उसे अच्छे से मिक्स कर लें, और जो लहसुन है वो फेंकना नहीं है, उसको जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसका क्या करने वाली हूँ। लहसुन है इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, उसकी जो कलियाँ हैं वो अच्छे से जो वो निकल रही हैं, और ये भी बहुत गर्म है। इस तरह निकालना है और इसका पेस्ट बना लेना है, ये इजीली निकल जाती है। और बाकी चीज़ें जो इसमें चाहिए वो हैं हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा एक प्याज है, इसे मैंने फ्राई कर लिया, और हरा धनिया और गरम मसाला, बस इनको डाल देंगे और इन्हें हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, और ताकि अच्छे से पके और उसका जो अरोमा है प्याज लहसुन प्याज का धनिया का और मिर्चें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और वही जो लहसुन मैंने आपको दिखाया था अब उसका जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया, वो मैं उसको भी इसमें साथ ही डाल दूँगी। इसको आप बस हल्की आंच पर ही छोड़ दें, ये पकती रहे ताकि हर चीज़ जो है वो इसमें यकजान हो जाए। ये तड़का टाइम, इसमें मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप और साबुत जीरा डाला है, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी कि खुशबू आने लगे, तो उसके बाद हम बाकी चीज़ें सूखी डालेंगे। ये बहुत सादा सा तड़का है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं डाली, जीरा है और बस आप इसमें मैंने जो साबुत लाल मिर्च थी वो डाल दी। तड़का तैयार है, अब मैं इस दाल जो हल्की आंच में हमने रखी थी बनने के लिए उसमें डाल देंगे। बहुत एहतियात से आपने तड़का डालना है, और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ी देर इसको हम हल्की आंच में ही छोड़ेंगे ताकि जो तड़का है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी दाल, मसूर की दाल। आप इसे बनाएं, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।